बीजेपी के पास दरअसल जो हुकुम के या फिर तुरुप के इक्के के तौर पर चीज है वो ये कि बाकी तमाम सियासी पार्टियां एक तो परिवारवाद करती हैं, दूसरा राजनीति का अपराधीकरण करती हैं। ठीक यही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहली चीज तो ये कि न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बहुजन समाज पार्टी भी और कांग्रेस भी सब मिलकर राजनीति का अपराधीकरण करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि सब परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई और इस तरह के सियासी बाण जो हैं वो चलाए जा रहे हैं न सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि सारी पार्टियां एक दूसरे पर तीखे प्रहार कर रही हैं। मायावती भी बहुत दिन बाद नुमाया हुई है, भले ही ट्विटर पर सही, लेकिन ट्विटर पर उन्होंने 5 लाइन का एक ट्वीट नगर निकाय चुनाव को लेकर कर दिया। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। श्रावस्ती में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तीनों ने राजनीति का अपराधीकरण किया है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, इन तीनों दलों ने राजनीति का अपराधीकरण किया। राजनीति में जिनको जेल में भेजना चाहिए उनको नेता बनाने का काम किया। जिन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों की जमीनों पर कब्जा किया उनको सत्ता के माध्यम से संरक्षण देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपराधी को सिर्फ अपराधी समझा और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने का काम किया। मौर्य ने कहा कि एसपी, बीएसपी, कांग्रेस तीनों लोकसभा विधानसभा से गायब हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। यादव बागी विधायक बागी नेता के प्रचार में गए हैं, वहाँ अब जनता परेशान है कि साइकिल पे वोट दें या टोटी पे। ये सपा वालों की बीमारी है, मुझसे क्या लेना देना। और सपा समाप्तवादी वैसे भी होने वाली है, सपा को मैंने कहा सफा हो रही है, बसपा बिल्कुल सफा हो रही है, तो कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। तो यह तो भाजपा की जय जयकार, जनता के आशीर्वाद से हो रही है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से हो रही है, धन्यवाद। इधर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि विरोधी पार्टियों ने साम, दाम, दंड, भेद आदि अनेक हथकंडों का लगातार इस्तेमाल किया, लोगों को वोट के लिए अपने बहुमूल्य संवैधानिक हक, दायित्व के प्रति वफादार और ईमानदार रहकर ही वोट डालना चाहिए। इस चुनाव के लिए भी भाजपा और अन्य विरोधी पार्टियों ने लुभावने वादों, हवा हवाई बातों और कागजी दावे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वोटरों को इनके बहकावे में ना आकर अपने और अपने क्षेत्र के हित और विकास के लिए बीएसपी उम्मीदवारों को ही वोट देना चाहिए।